हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल टेक विद जेलो पे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लोगो प्रमोशन एजेंट कैसे बने। जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल में देख ही चुके होंगे, लोगो प्रमोशन एजेंट से रिलेटेड हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। ए टू जेड आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी लोगो प्रमोशन एजेंट से रिलेटेड। अगर आपने इस वीडियो को कम्प्लीटली पूरा देख लिया और समझ लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको कोई दूसरा वीडियो लोगो प्रमोशन एजेंट या लोगो प्रमोशन से रिलेटेड आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एक बार समझ लीजिए और इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ओके, तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल में देखे होंगे कि स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा। तो जी हाँ दोस्तों, मैं इस वीडियो में इस एजेंट से रिलेटेड वर्क में आपको टॉपिक बाय टॉपिक आपको कवर करने वाला हूँ। मैं टोटल 15 टॉपिक को कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो कौन कौन से वो टॉपिक है, ये सबसे पहले मैं आपको बता दूँ तो 15 टॉपिक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है मेरा एजेंट कैसे बने। जी हाँ दोस्तों, आपको सबसे पहला टॉपिक में कवर मैं कर दूंगा कि आप मैनेजर से संपर्क कैसे करते हैं। सबसे पहला टॉपिक यही है मेरा कि आप मैनेजर से संपर्क कैसे करें। सेकंड टॉपिक है कि एजेंट का फॉलोअर कितना होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जानते होंगे क्रिएटर्स का फॉलोअर निर्धारित रहता है 1 के 2 के 10 के 20 के ऐसे करके निर्धारित रहता है, या उसका व्यूज पर पैसा होता है। पर आप एजेंट बनेंगे तो आपका फॉलोअर कितना चाहता है, कितना खोजता है, वो भी बात करेंगे हम सेकंड टॉपिक में। थर्ड टॉपिक है कि एजेंट का पेमेंट कैसे होता है। जी हाँ दोस्तों, एजेंट का पेमेंट कैसे होता है, कितना होता है, ये हम थर्ड टॉपिक में हम बात करेंगे। फोर्थ टॉपिक है हम लोग का कि ब्लॉगर्स का फॉलोअर। जी हाँ दोस्तों, ब्लॉगर्स क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो आप क्रिएटर जिसे बोलते हैं उसे ब्लॉगर्स भी बोला जाता है। तो हम लोग ज़्यादा ब्लॉगर्स यूज करेंगे तो आपको मैं बता दूँ कि ब्लॉगर्स और क्रिएटर्स दोनों एक ही हैं, तो आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा। तो चलिए, फोर्थ टॉपिक है कि ब्लॉगर्स का फॉलोअर कितना होना चाहिए। इस फोर रैबिट कंपनी में या अलग अलग कंपनी का अलग अलग नियम रहता है, पर मैं आपको फोर रैबिट कंपनी का पूरी डिटेल्स बताने वाला हूं। तो फोर रैबिट का कंपनी का लोगो प्रमोशन करने में ब्लॉगर्स का कितना फॉलोअर होना चाहिए, ये हम फोर्थ टॉपिक में कवर करने वाले हैं। फाइव टॉपिक है हम लोग का कि ब्लॉगर्स कैसे खोजेंगे। जी हाँ दोस्तों, सभी के पास क्रिएटर इकट्ठा नहीं रहते हैं। आप लोग कई सारे वीडियो देख रहे होंगे तो बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनके पास 2, 4, 10, 20 क्रिएटर्स एक्स्ट्रा या ग्रुप आप लोग बनाए होंगे, पहले भी इससे वर्क किए होंगे। तो आपके पास ग्रुप होगा, आपके पास क्रिएटर होंगे, पर सबके पास क्रिएटर्स नहीं होते हैं। सबको इकट्ठा करना पड़ता है, स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ता है। तो मैं आपको 0 से लेकर 100 तक यानी 0 से लेकर अंत तक बताने वाला हूं कि आप क्रिएटर्स भी कैसे खोजेंगे। वो टॉपिक है मेरा पाँचवा टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि आप क्रिएटर्स कैसे खोजेंगे। अगर आपने पहले ऐसा वर्क नहीं किया है तो भी आपके लिए एक हेल्प साबित होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे चल के। तो कृपया करके आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखिए, ध्यान से समझिए। ओके, सिक्स टॉपिक है हम लोग का क्रिएटर, जो ब्लॉगर्स और ब्लॉगर से बात कैसे करनी है, लोगों प्रमोशन करने या ना करवाने के लिए उनसे बात कैसे करनी है, उनसे आपको मनाना कैसे है, वो हम सिक्स टॉपिक में कवर कर देंगे। सेवेंथ टॉपिक है कि जो क्रिएटर्स है उनसे आप लोगों कैसे दोगे, जो कंपनी का लोगो है उसे आप कैसे दोगे, उसका पेमेंट कैसे होगा, ये सेवन टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं। एट टॉपिक है हम लोग का कि आप जिस भी क्रिएटर से लोगों प्रमोशन करवाते हैं, जो वो अपने रील्स वीडियो पर लोगो लगाते हैं, तो रील्स वीडियो का लिंक कंपनी में सेंड करना रहता है, तो सेंड कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा 8 टॉपिक में। ओके, और 9 टॉपिक है हम लोग का ब्लॉगर्स का पेमेंट डिटेल्स, जो क्रिएटर्स काम करेंगे उनका पेमेंट कैसे होगा, उनसे पेमेंट आप डिटेल्स कैसे लोगे, वो हम बात करेंगे 9 टॉपिक में। 10 टॉपिक है हम लोग का कि जो ब्लॉगर जो क्रिएटर्स वर्क करेंगे उनका पेमेंट के लिए आप कंपनी तक डिटेल्स कैसे सेंड करेंगे, वो हम बात करेंगे आपको 10 टॉपिक में। 11 टॉपिक है हम लोग का ग्रुपिंग वर्क। जहाँ दोस्तों, जब आप एजेंट वर्क कीजिएगा तो आपका सबसे पहले एक टेलीग्राम पर ग्रुप बना जाएगा। दोस्तों, एक बात मैं सबसे पहले बता दूं कि जब आप इसमें एजेंट वर्क करेंगे, आप लोगों प्रमोशन इंस्टा पर कीजिए या यूट्यूब पर कीजिए, आपको मेरे साथ काम करना होगा टेलीग्राम पर। तो आपको एक टेलीग्राम, अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो आप टेलीग्राम प्ले स्टोर पर से डाउनलोड करके अपना एक अकाउंट बना लीजिए। उसके बाद आप जैसे ही आप एजेंट वर्क कीजिएगा तो आपको टेलीग्राम पर एक पर्सनल ग्रुप बना दिया जाएगा, जिसमें आप होंगे और आपका सीनियर एजेंट होंगे, सीनियर मैनेजर होंगे, तो वो आपको सारा डिटेल्स ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो वही टॉपिक हम लोग का 11 टॉपिक है ग्रुपिंग वर्क, कि आपका पर्सनल ग्रुप बन जाएगा तो आप उस ग्रुप में वर्क कैसे करेंगे, उस ग्रुप में वर्क कैसे करना रहता है, ये हम बात करेंगे 11 में। 12 में हम बात करेंगे एजेंट का पेमेंट कितना कैसे कब होता है, और नंबर 13 में हम बात करेंगे कि ब्लॉगर्स का पेमेंट कितना कैसे कब होता है, और इनमें हम बात करेंगे रिस्पेक्ट की। बहुत सारे क्रिएटर्स जो वर्क करते हैं या आप ही एजेंट वर्क करते हैं और अपने जो सीनियर है अपने मैनेजर की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, इसके लिए आपका पेमेंट वो नहीं देते हैं, बजा देते हैं या ऐसे कुछ कर देते हैं, वो आपको हम टॉपिक कवर करने वाले हैं 14 में। और 15 टॉपिक है हम लोग का फेल्ड आईडी, क्यों ब्लॉगर्स का पेमेंट फेल्ड हो जाता है, क्यों ब्लॉगर्स का पेमेंट कम होता है, क्यों उनका वीडियो फेल्ड हो जाता है, उनका लोगो फेल हो जाता है, उनका आईडी फेल हो जाएगा, ये सब हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 15 में। तो आप पूरा टॉपिक देखिए, आपको सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। आपको 15 से ज़्यादा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, जो 15 टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ इससे ज़्यादा आपको कोई आलतू फालतू प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, इससे बाहर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर अभी आता भी है कोई टॉपिक मुझसे छूट जाता है तो आप कॉमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो कवर कर दूंगा, वो टॉपिक मैं कवर कर दूंगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आप वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 15 टॉपिक का आपको नाम बता दिया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15 टॉपिक ये लिखा हुआ है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने
स्क्रीनशॉट ले लिया, तो चलिए कोई बात नहीं, अब आगे की डिटेल्स आपको ध्यान से सुननी है। जैसे ही आप मुझसे संपर्क कीजिएगा या आप मेरे टीम में काम कीजिएगा, तो आपको इंस्टाग्राम पर मैसेज करना है। कैसे करना है वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखला देता हूँ, पर आपको मैसेज करने से पहले मैं आपको एक बात बतला दूँ कि जैसे ही आप मेरे साथ काम कीजिएगा, मेरे टीम में काम कीजिएगा, तो आपको ज्वाइनिंग होने से पहले 6 अंक का रजिस्ट्रेशन कोड बताना होगा, जो कि मैं इसी वीडियो में बतलाऊंगा। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में मैं आपको 6 अंक का रजिस्ट्रेशन कोड बताऊंगा। और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कोड हमारे सीनियर को सेंड करेंगे, तो वो आपके साथ 25 से 30 क्वेश्चन सेंड करेंगे, जिसका आंसर आपको ही देना है। उसका आंसर इस वीडियो में बताया गया है, तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, तभी आपको आंसर पता चलेगा। और आपने वीडियो ध्यान से नहीं देखिएगा तो आपको आंसर पता नहीं चलेगा, और आप अपने सीनियर को आंसर नहीं दे पाएंगे, तो वो आपको भी एजेंट नहीं बना पाएंगे। तो आपको कम से कम 95% आपको मार्क्स लाना है, जो वो क्वेश्चन पूछेंगे उसमें आपको कम से कम 95% मार्क्स लाना है, तभी आपको आगे की डिटेल्स मिलेगी, नहीं तो आपको आगे की डिटेल्स नहीं मिलेगी, आप एजेंट नहीं बन पाएंगे। तो आपको ध्यान से इस वीडियो को देखनी है, और रजिस्ट्रेशन कोड जो 6 अंक का होगा वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताते जाऊंगा। 6 अंक आपको एक एक अंक करके आपको पूरे वीडियो में बताई जाएगी, एक टाइम में नहीं बताया जाएगा, वो आपको एक एक करके 6 अंक बता दिया जाएगा। और जो क्वेश्चन है वो आपको वही आप सीनियर एजेंट आपको चैट में दे देंगे, तो आपको आंसर वहीं करना है, क्वेश्चन आपको यहाँ पर शो नहीं होगा। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपको रजिस्ट्रेशन कोड जरूर से जरूर ध्यान में रखना है, और आपको अपने सीनियर के पास सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कोड ही सेंड करना होगा, उसके बाद ही वो आपको आगे की डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। अगर आप रजिस्ट्रेशन कोड ही नहीं सेंड कीजिएगा, आप एजेंट नहीं बन पाएंगे। और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कोड सेंड करते हैं, तो आपको क्वेश्चन का आंसर भी देना होगा, जो कि बिल्कुल आसान होगा। वो इस वीडियो में मैं कवर कर दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, क्या क्या उसका आंसर होगा। आप वीडियो देखते रहिए, आपको सब पता चल जाएगा। ओके, और सबसे जरूरी बात, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, लोगो प्रमोशन का एजेंट कैसे बने, स्पॉन्सरशिप का एजेंट कैसे बने, इस वीडियो को 5 एपिसोड में डिवाइड किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये एपिसोड नंबर 1 है, और ऐसे ही 4 एपिसोड और हैं। तो आपको एपिसोड कैसे मिलेगा वो भी आपको आगे पता चल जाएगा, आपको बोरिंग ना लगे इसलिए इसको 5 एपिसोड में डिवाइड किया गया है। तो आप लोग ध्यान से देखिए और वीडियो को समझिए, वर्क को समझिए कि एजेंट वर्क कैसे होता है, कैसे लोग इसे लाखों की अर्निंग कर रहे हैं, और ये आप भी कर सकते हैं। और इसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, इसमें आपको कोई पैसा नहीं देना है, आप फ्री में एजेंट बन सकते हैं। ओके, तो आपको केवल ध्यान से अपना वर्क समझना है और आगे की डिटेल्स तैयार करनी है। तो अगर आप घर बैठकर वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप एक कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए, और जो जो डिटेल्स मैंने आपको बताया, जो जो आपको मैं डिटेल्स बताऊंगा, रजिस्ट्रेशन कोड, क्वेश्चन का आंसर, वो सब आप नोट कीजिए, क्योंकि आगे आपको काम आएगा और आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो और आप एजेंट आसानी से बन पाएँ। तो चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप लोग दो तरह के लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे। पहला लोग ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट यूट्यूब से ये वीडियो देख रहे हैं, जैसे कि मैंने वीडियो अपलोड किया और आपके पास ये वीडियो गया और आप देख रहे हैं। दूसरा वैसे लोग हैं जिनके पास ये वीडियो का लिंक इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर या कहीं भी ये वीडियो का लिंक गया होगा, उस लिंक से इस वीडियो को देख रहे हैं। लेकिन जो ये वीडियो YouTube से देख रहे हैं, उनको पता नहीं है कि आप इस वीडियो देखने के बाद आपको मैसेज कहाँ करना है, कैसे मैसेज करना है। तो उनको मैं बता दूं कि आपको मैसेज कैसे करना है, कहाँ करना है, चलिए आपको दिखला देता हूँ। तो साइड में आप लोग स्क्रीन देख सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चले जाना है। यहाँ पर आप मोर के ऑप्शन पर क्लिक, जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरह का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आपको दोबारा से मोर पर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ये सब आपको लोगो प्रमोशन के डिटेल्स है, ये सब वीडियो लिंक है, ये वीडियो लिंक कैसे यूज करना है, ये बात मैं आपको आगे की वीडियो में बता दूंगा, आप केवल वीडियो देखते रहिए। यहाँ जैसे ही आप नीचे आइएगा, फॉलो माय सोशल मीडिया एक्टिविटी, यहाँ पर जैसे ही आप नीचे आइएगा, तो यहाँ पर मेरा सेकंड यूट्यूब आईडी है, यहाँ पर मेरा 3 इंस्टा आईडी का लिंक दिया हुआ है, और नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिख रहा होगा, जो कि इसी टेक्निकल वीडियो के लिए टेलीग्राम चैनल बनाया गया है। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहें, तो आप इस लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर मेरा 3 इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप इस 3 इंस्टाग्राम में कौन से इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिएगा, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर मेरा सबसे नीचे है माई बिजनेस इंस्टाग्राम आईडी। तो अगर आप पैसा इन्वेस्ट करके मंथली 50,000, 60,000 या 1,00,000 प्लस कमाना चाहते हैं, पैसा इन्वेस्ट करके 2-4 हज़ार रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अच्छी खासी अर्निंग करना चाहते हैं, तो आप मुझे बिजनेस अकाउंट पर मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद आपको मेरा ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर मैं अपना पर्सनली कुछ अपडेट करता हूँ, अपलोड करता हूँ। उसके बाद माय इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर आपको मैसेज करना है, कैसे मैसेज करना है देख लीजिए। हाँ, तो जैसे ही आप इसे ओपन कीजिएगा, तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। मेरा नेट थोड़ा स्लो है, तो आप वेट कर लीजिए। तो चलिए मेरा यहाँ पर ओपन हो गया इंस्टाग्राम, तो कई सारे लोगों का यहाँ पर ब्राउजर में ओपन होगा। तो अगर आपका भी ब्राउजर में ओपन होता है, तो आप इस ब्लू वाले टैग पर क्लिक कीजिए, ओपन इंस्टाग्राम। तो चलिए मेरा भी ब्राउजर में ओपन हुआ, तो मैं भी ओपन इंस्टाग्राम पर क्लिक करता हूँ, और मेरा यहाँ पर ओपन इंस्टाग्राम ओपन हो गया है। ये मेरा इंस्टाग्राम ऐप में ओपन हुआ, अब ब्राउजर में ओपन नहीं है। तो यहाँ पर जैसे ही आप आइएगा, तो यहाँ पर मेरा प्रोफाइल ओपन हो गया। आपको ये आईडी फॉलो कर लेना है। जैसे आप फॉलो कर लीजिएगा, तो आपके पास एक नया ऑप्शन ओपन होगा। क्या ऑप्शन ओपन होगा वो मैं आपको दिखला देता हूँ। तो ऑप्शन देखने के लिए आपको मैसेज ओपन कर लेना। जैसे आप मैसेज पर क्लिक कीजिएगा, तो आपको इस तरह का 4 ऑप्शन दिख जाएगा। अगर आप फॉलो किए रहेंगे, तो आपको ये ऑप्शन दिखेगा, फॉलो नहीं किए रहेगा तो आपको ऑप्शन नहीं दिखेगा। तो आपको फॉलो कर लेना है, तभी आप एजेंट बन पाएंगे। जो कि ये आपको ऑप्शन ही नहीं दिखेगा, तो आप मुझसे बात कैसे करेंगे वो आप जानो। तो आपको फॉलो कर लेना है। फॉलो करने के बाद 1 और 2 में आपको कोई अपना पर्सनल चैट करना है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप 1 या 2 में आप क्लिक करके बात कर सकते हैं।
और थर्ड जो है जो मैंने आपको बताया कि 2-4 हज़ार रुपया इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो आप थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, नहीं तो आपके लिए फोर्थ वाला ऑप्शन है, सर मैं लोगो प्रमोशन या लोगो प्रमोशन एजेंट बनना चाहता हूँ, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको उस पर ऑटो रिप्लाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा वो आप सामने देख सकते हैं। ओके, अगर आपको लोगो प्रमोशन करना है या लोगो प्रमोशन एजेंट बनना है तो आप इस आईडी पर मैसेज कीजिए। आपको यहाँ पर ब्लॉगरी ऑफिशियल 29 आपको यहाँ पर एक आईडी दिख रहा है, इस पर आपको मैसेज करना है और उसके नीचे लिखा हुआ है अगर आप इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं 30-40 हज़ार 50 हज़ार तो आप मुझे मैसेज कीजिए, जो मैंने आपको पहले ही बताया, तो आपको ए आईडी पर मैसेज कर देना है डायरेक्ट। मैंने इस आईडी पर मैसेज आपको क्यों नहीं करने के लिए बोला, क्योंकि ए एजेंट कब काम वर्क करेंगे या नहीं करेंगे, जिस टाइम आप वर्क करना चाहो, जिस टाइम आप वीडियो देख रहे हैं उस टाइम ए मैनेजर वर्क करते रहेंगे या नहीं करते रहेंगे वो मुझे भी नहीं पता है। तो आप एक बार मेरे आईडी पर आ जाना और वहाँ से इस तरह का मैसेज करके आप उस आईडी को ले लीजिएगा, ताकि आपको एक सही मैनेजर का आईडी मिल पाए। और सेम वैसे ही आपको इनका भी मैसेज ओपन कर लेना है फॉलो करके, और मैसेज जैसे ही ओपन कीजिएगा तो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिख जाएगा, जो कि आपको एजेंट बनना है तो आप ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, अगर आपको लोगों प्रमोशन करना है तो आप सेकंड वाले थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। तो मुझे एजेंट बनना है तो मैं सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद उसी तरह से कुछ चैट यहाँ पर आया है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है ओके, अगर आप एजेंट बनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो में सारा रिलेटेड एजेंट से रिलेटेड वर्क से रिलेटेड आपको आगे की डिटेल जानकारी दी गई है। यहाँ दोस्तों ये वीडियो का लिंक है, जो आप वीडियो अभी देख रहे हैं ये यही वीडियो का लिंक है, जो डायरेक्ट इंस्टाग्राम से आए हैं तो वो इतना सारा प्रोसेस करके आए होंगे, अगर आप यूट्यूब से आए हैं तो इतना सारा प्रोसेस आपको करना होगा। तो चलिए वीडियो देखने के बाद आपको मैसेज क्या करना है, चलिए मैं आपको बता दूँ। सीधा आपको रजिस्ट्रेशन कोड लिख लेना है, रजिस्ट्रेशन कोड आपको लिख लेना है और यहाँ पर ऐसा करके रजिस्ट्रेशन कोड लिख लेना है, जो मैं आपको 6 अंक का रजिस्ट्रेशन कोड बताऊँगा वो आप रजिस्ट्रेशन कोड यहाँ पर आपको सेंड कर देना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन कोड सेंड कीजिएगा तो उधर से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको 25 से 30 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और क्वेश्चन मिलने के बाद आप उसे आंसर कीजिएगा। उसके बाद आपको सारा डिटेल्स आपको इसी चैट में मिल जाएगा, इसके बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही आपका चैट कंप्लीट होगा, जैसे ही आप सीनियर एजेंट से मैनेजर से बात कीजिएगा तो आपको ग्रुप बन जाएगा और सारा डिटेल्स आपको चैट में समझा दिया जाएगा। उसके बाद मैंने फर्स्ट टॉपिक कवर कर दिया कि एजेंट कैसे बनना है, यानी मैनेजर से बात कैसे करनी है, या डाउट क्लियर हो गया। ये मेरा सेकंड टॉपिक था कि एजेंट का फॉलोअर कितना होना चाहिए। जहाँ दोस्तों सेकंड टॉपिक था यही कि एजेंट का फॉलोअर कितना होना चाहिए, तो एजेंट का फॉलोअर 0 होगा भी तो चलेगा। एजेंट वर्क करने के लिए आपको कोई फॉलोअर की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास 0 फॉलोअर भी है तो आप एजेंट वर्क कर सकते हैं, या आपके पास 10 के 20 के 30 के 100 के 200 के 1 मिलियन भी फॉलोअर है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई से भी आईडी से अपना एजेंट वर्क कर सकते हैं। तो चलिए मैंने 2 टॉपिक को कवर कर दिया हूँ, तो बचा हुआ मेरा 13 टॉपिक वो आगे के एपिसोड में कवर होंगे। कैसे कवर होंगे चलिए एक बार मैं आपको ये भी चैट दिखला देता हूँ। तो मैंने फर्स्ट एपिसोड में आपको 2 टॉपिक कवर किया है, सेकंड एपिसोड में मैं आपको 4 टॉपिक कवर करूंगा, और थर्ड एपिसोड में भी 4 टॉपिक कवर होगा, फोर्थ एपिसोड में आपको 4 टॉपिक कवर होगा, और 5 एपिसोड में आपको 1 टॉपिक कवर होगा, यानी टोटल 15 टॉपिक आपको कवर हो जाएगा 5 एपिसोड में, 5 एपिसोड में, जो कि 1 एपिसोड खत्म हो गया, बचा हुआ 4 एपिसोड आपको कैसे वो वीडियो मिलेगा, कैसे आप ये बात आपको ध्यान में रखनी है आप सीख लीजिए, जान लीजिए। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको क्वेश्चन देना होगा और रजिस्ट्रेशन कोड देना हो, तो मैंने आपको यहाँ पर 2 रजिस्ट्रेशन कोड आपको बता रहा हूँ, आप लिख लीजिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो। आपको यहाँ पर 2 रजिस्ट्रेशन कोड बताया जा रहा है, जो कि आपको आगे चलकर 4 रजिस्ट्रेशन कोड आगे की एपिसोड में आपको बता दी जाएगी। तब आप 2 रजिस्ट्रेशन कोड लिख लीजिए, पहला रजिस्ट्रेशन कोड ये है 2, जहाँ दोस्तों पहला रजिस्ट्रेशन कोड 2 है और सेकंड 9 है, 29 यानी 29 आपको रजिस्ट्रेशन कोड लिख लेना है, 29। अभी 4 अंक इसमें और जुटेगा और 4 अंक वो आगे की एपिसोड में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आपको 2 रजिस्ट्रेशन कोड मिल गए हैं, क्वेश्चन तो आपको चैट में मिल जाएगा, और मैंने आपको बताया कि 5 एपिसोड है और 5वें एपिसोड आपको देखना है, वर्क से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, और इसमें आपको 2 टॉपिक कवर हुआ है। सेकंड एपिसोड में मैं 4 टॉपिक कवर करने वाला हूँ, टॉपिक नंबर 3 से टॉपिक नंबर 6 तक। तो आप उस वीडियो को देखिए, उस वीडियो को कैसे देखना है, जैसे मैंने पहले आपको दिखलाया था कि डिस्क्रिप्शन में आपको चले जाना है, वहाँ पर आप देखे होंगे उस टाइम कि बहुत सारे यूट्यूब वीडियो का लिंक दिया हुआ था, डिस्क्रिप्शन में चले जाइए। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको दिख रहा होगा कि एपिसोड नंबर टू के नीचे आपको यूट्यूब का लोगो दिख रहा होगा, यूट्यूब का लिंक दिख रहा होगा, तो आपको एपिसोड नंबर 2 पर चले जाना है। एपिसोड नंबर 2 जैसे ही आप कंप्लीट कीजिएगा तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको एपिसोड नंबर 3 का लोगो मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, और जैसे ही आप 3 कंप्लीट कीजिएगा तो आपको 4th का लिंक मिल जाएगा, यानी आपको एक एक करके आपको सारा एपिसोड देख लेना है और आपको वर्क समझ लेना है। आई होप कि आपको इस वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी और एजेंट से रिलेटेड आपको कुछ डिटेल्स जो कि आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगा वो आपको जानकारी मिली होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में अच्छी जानकारी मिली है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपके दोस्त भी ये वर्क करना चाहते हैं, लोगों प्रमोशन एजेंट बनना चाहते हैं, तो उनके पास भी ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर करें। तो चलिए हम मिलते हैं एपिसोड नंबर 2 में, एपिसोड नंबर 2 देखने के लिए रेडी हो जाइए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए, और एपिसोड नंबर 2 में मिलते हैं। तो चलिए टाटा बाय बाय।